हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? होपफुली अपने घर बैठे हुए आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए हम पहले बताते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा और आज हमें क्या करना है। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कि ट्वेल्थ का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चल रहा था, हमने उसमें हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप पढ़ चुके हैं, उसमें हमने दो कैटेगरी बनाई थी एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल में हमने पढ़ लिया था, प्लांट्स में हमने शुरू किया था। प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बोलते हैं। लास्ट जो वीडियो हमारी चली है उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो अब तक हमारा फर्स्ट हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ, हमने देखा कि नेचुरल मेथड क्या क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के। आज बच्चों हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के मैन मेड मेथड्स, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय आर्टिफिशियल मीन्स। सबसे पहले हम ये बात ध्यान रखें, कोई भी प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अगर आर्टिफिशियली यानी मैनमेड प्रोसेस से होता है, ह्यूमन के थ्रू टेक्निक्स और टूल्स के इस्तेमाल से किया जाता है, तो इस तरह का वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो हम इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। The methods of vegetative propagation by man-made tools और टेक्निक्स। इस कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। क्लियर? अब हमने ये देखना है कि जो मैनमेड मेथड्स हैं वो कितनी वेराइटीज़ हैं और कितने टाइप्स हैं। कल हमने पूरा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था, उसमें हमने आपको नेचुरल के भी मेथड्स बताए थे और आर्टिफिशियल के बताए थे। सिर्फ लिस्टिंग की थी हमने, उसकी डिटेल नहीं पढ़ाई थी। आज हम टाइम आया है उसको हम डिटेल से पढ़ने का। चलिए अब हम पहले एक बार लिस्ट वो देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से मेन मेथड्स देखे थे जो आर्टिफिशियली प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमें मेजर यहाँ पर एनसीईआरटी, वैसे टाइप्स तो बहुत सारे हैं बट हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग हमें फोर मेथड्स मेंशन किए गए हैं। वन बाय वन उनको हम देखते हैं। सबसे पहला मेथड हमें यहाँ पर आता है कटिंग। सेकेंड मेथड इज लेयरिंग। द थर्ड मेथड इज ग्राफ्टिंग एंड द फोर्थ वन इज माइक्रो प्रोपिगेशन।
माइक्रो प्रोपेगेशन। तो चलिए एक एक करके इन चारों मेथड्स को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम कटिंग से। कटिंग आर्टिफिशियली हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और हमारे गार्डन्स में बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है रोज़ की कटिंग, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो कटिंग्स और भी प्लांट्स के लगाई जा सकती हैं। इसमें होता क्या है, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को पेरेंट बॉडी से कट करके सॉइल में ग्रो कराया जाता है या उसे इम्प्लांट करके उसको ग्रोथ करके नया प्लांट डेवलप कराया जाता है। अब डिपेंड करता है कि कटिंग किस पार्ट से की जाएगी, यानी हम वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल किस पार्ट को लेकर करेंगे। ठीक है, आप कटिंग इसमें लीफ की कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स की स्टेम कटिंग होती है, कुछ प्लांट्स की रूट कटिंग होती है। तो कटिंग सबसे पहले क्या है तो समझ लीजिएगा, इन दिस मेथड एनी पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट बॉडी is detached to grow new plant। अब हमने जिस प्लांट को डिटैच करना है मेन प्लांट बॉडी से, उसको हम किन किन प्रोपेग्यूल को इस्तेमाल करते हैं, उसके बिहाफ पर कटिंग की तीन वेराइटीज होती हैं। डिपेंड करता है कि क्या प्रोपेग्यूल हम यूज कर रहे हैं। तो कटिंग की थ्री वैरायटीज हैं। नंबर वन, ये हमने डिवाइड किया है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। हम किस पार्ट को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, लीफ। नंबर टू, रूट। एंड नंबर थ्री, स्टेम। अच्छे से एग्जाम्पल याद रखिएगा। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह हम लीफ कटिंग यूज करते हैं, तो लीफ कटिंग के लिए हमारा एग्जाम्पल रहेगा, लीफ कटिंग की जाती है ब्रायोफिल्म की, क्योंकि इसके पास लीफ पे होती हैं लीफ बड्स, ब्रायोफिल्म। रूट कटिंग कहाँ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। रूट कटिंग के लिए हम जो प्लांट यूज़ करते हैं वो है टैमरिंडस इंडिकस, जिसको हम बोलते हैं टैमरिंड यानी इमली। टैमरिंड रूट कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में पूछा गया है, बोर्ड में एक क्वेश्चन बना है कि रूट कटिंग किस प्लांट में यूज़ की जाती है आर्टिफिशियली। आंसर याद रखना है, सिर्फ इतना आंसर करना है, टैमरिंड। स्टेम, स्टेम कटिंग तो बहुत प्लांट्स की जाती है। स्टेम कटिंग में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पॉपुलर स्टेम कटिंग जो पूरी दुनिया में की जाती है वो है शुगर की। शुगर केन के अलावा और प्लांट्स भी हैं जिनकी कटिंग की जाती है, जैसे रोज। रोज के अलावा ग्रेप्स, ग्रेप्स की भी कटिंग की जाती है। एंड एक बहुत कॉमन प्लांट है जो हमारे गार्डन्स में बड़ा कॉमनली देखने को मिल जाता है, बोगनविलिया। बोगनविलिया को हम कॉमनली बोलते हैं ग्लोरी ऑफ द गार्डन। इस प्लांट की एक बड़ी खासियत है कि इसकी जो ब्यूटी है, जनरली प्लांट की ब्यूटी फ्लावर्स होते हैं, बट इस प्लांट की ब्यूटी फ्लावर या पेटल की वजह से नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रक्चर प्लांट में आपने पढ़ी होगी ब्रैक्ट। जनरली ब्रैक्ट लीफी स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर की होती है, बस इस प्लांट की जो ब्रैक्ट है
वो कैसी होती है, पेटेलॉइड मतलब पेटल लाइक, कलरफुल होती है। उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, येलो कलर होता है, पिंक कलर होता है, रेड कलर भी होता है, वाइट भी होता है। तो यहाँ पर कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी नीट में पूछा जाता था, नीट के जो पहले स्टेट पीएमटीज हुआ करते थे उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी जमाने का हुआ करता था ये, द ब्यूटी ऑफ बोगेनवेलिया इज, ऑप्शन होता था ड्यू टू कलर्ड ब्रैक्ट या पेटेलॉइड ब्रैक्ट, पेटल की वजह से इसकी ब्यूटी नहीं होती, क्योंकि अगर आप इसके एक्चुअल फ्लावर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनकन्स्पीक्यूअस होते हैं, बड़े छोटे छोटे स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, वो इतने क्लियर नहीं होते, वाइट कलर के हैं। इस फ्लावर की, इस प्लांट्स की जो ब्यूटी है वो पेटेलॉइड ब्रैक्ट की वजह से है। तो ये प्लांट है, इन प्लांट्स की स्टेम कटिंग आर्टिफिशियली यूज की जाती है इन्हें प्रोपिगेट करने के लिए। तो ये है हमारा कटिंग के जनरल मैथ, ठीक है ना। इस कटिंग में थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली एक बात और बताना चाहेंगे हम, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए हमने किसी प्लांट की कटिंग यूज करनी है, तो हम क्या करते हैं उसके स्टेम का एक पोर्शन लेते हैं, उसे कट करते हैं। तो ये पोर्शन लीफ को हटा के इसका पोर्शन लेंगे। अच्छा, कटिंग के लिए हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, हमेशा कटिंग्स आर ऑलवेज मेड ऑब्लिकली, हमेशा कटिंग्स को तिरछा काटा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी नीट में बहुत रेगुलर पूछा जाता है, जब हम इसकी कटिंग बनाएंगे तो हमें एक तरफ से जो हमें सॉइल में पार्ट इम्प्लांट करना है उसको हमें इस तरह से कट करना है। तो हम कटिंग्स को हमेशा ऑब्लीक कट करते हैं। ऑब्लीक कट करने का फ़ायदा क्या रहता है, ऑब्लीक कट करने का फ़ायदा ये रहता है कि जिससे कि जो ऑक्सिन है वो सारा एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाए। और ऑक्सिन का काम क्या है, बहुत सारे फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन है इट इनिशिएट्स रूटिंग। तो जितना ऑक्सीजन एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होगा उतनी फास्ट रूट डेवलप होगी और हमारी कटिंग के सक्सेस चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे जितनी तेजी से इसमें रूटिंग होगी। तो यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट पर ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा, जब ऑक्सीजन एक पॉइंट पर इकट्ठा होगा तो इसका फायदा किस चीज पे मिलेगा, इसमें रूटिंग अर्ली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है कटिंग का कुछ मेथड, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया। ये फैक्ट मैंने सिर्फ नीट के लिए आपको पढ़ाया है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, बट ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट दूसरे मेथड पर आते हैं, द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज लेयरिंग। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का मेथड है। समझते हैं इसमें क्या कराया जाता है। इसमें किसी प्लांट की ब्रांच में आर्टिफिशियली रूट इंड्यूस कराई जाती है। क्या बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बार इस पॉइंट को, किसी प्लांट की ब्रांचेस में आर्टिफिशियली रूट्स इंड्यूस की जाती हैं। कब, इससे पहले कि उस पार्ट को प्लांट से डिटैच किया जाए, जब उस पर रूट आ जाती है तो उस पोर्शन को रूट्स के साथ along with roots कट कर दिया जाता है, दूसरे प्लांट और सॉइल पे उसे इम्प्लांट करके एक नया प्लांट की ग्रोथ करा ली जाती है। ये तरीका लेयरिंग कहलाता है। लेयरिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमारे सिलेबस के अंदर लेयरिंग के टाइप स्टडी नहीं दी गई है। सिंपली लेयरिंग का क्या है, उस प्रोसेस क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ये दो बातें आपको याद करनी है। तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं कि लेयरिंग होता क्या है। In this method, roots are artificially induced.
on stem branches. Before it detached from the parent plant. चलिए समझते हैं कि इस मेथड में क्या तरीका अप्लाई किया जाता है। हमें डेफिनेशन के थ्रू तो समझ में आता है, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि लेयरिंग कैसे की जाती है। हमारे पास ये प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, इसको ये किया जाएगा, ये हमारा सॉइल लेवल है। किसी एक ब्रांच को पुल डाउन करके सॉइल के अंदर ऐसे इम्प्लांट किया जाएगा कि ये सॉइल से बाहर न जाए, चाहे उसे वहाँ कोई वेट रखा जाए या उसे टाइड अप करके वहाँ पर रखा जाएगा, लाइक दिस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉइल की लेयरिंग चढ़ाते जाएंगे, सॉइल की लेयरिंग चढ़ाते जाएंगे। और वो लेयर हमने किसके साथ देनी है, मॉइस्चर प्लस न्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा दो चीज़ें, मॉइस्चर प्लस न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद रूटिंग हॉर्मोन्स। हमने आर्टिफिशियली रूटिंग हॉर्मोन्स भी यहाँ प्रोवाइड करना है, जिससे कि यहाँ पर जल्दी से रूट स्टार्ट हो जाए। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर देनी है, सॉइल की लेयरिंग चढ़ानी, इसलिए लेयरिंग बोलते हैं इस मेथड को, सॉइल की लेयर चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि यह सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहे, कभी यहाँ पर सूखी नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर, उस मॉइस्ट वाटर, जो मॉइस्चर पानी दिया जाएगा वो अकेला नहीं दिया जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व किया जाएगा अलोंग विद प्लांट हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन, जो रूटिंग हॉर्मोन्स होते हैं, उनका साथ हम इसकी लेयरिंग करते रहेंगे। कुछ दिन के बाद हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो रूट्स हैं वो यहां पर डेवलप होनी शुरू हो गई है। फिर हम इस प्लांट को यहां से कट कर लेंगे, डिटैच कर लेंगे। और यहां से डिटैच करने के बाद इस प्लांट को एज इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो करके एक नया प्लांट डेवलप करा लेंगे। ये तरीका लेयरिंग कहलाता है। होपफुली समझ में आया होगा। इस लेयरिंग में अब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो लेयरिंग के थ्रू जिनको हम ग्रो करते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग के एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं बेटा। लेयरिंग की जाती है लीची में, ऑरेंज में, ग्रेप वाइन, मैंगो एट्सेट्रा। ये सब हम लेयरिंग के कुछ एग्जाम्पल, स्पेशली लीची, ऑरेंज, ग्रेप वाइन, यहाँ तो सबसे कॉमन है लेयरिंग का, ठीक है। लेयरिंग के बाद नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, और हमारा नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्टिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और समझते हैं थर्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड। The third method is grafting. Generally ये term हम जब use करते हैं graft, हम human के लिए भी grafting term use करते हैं commonly, animals के लिए। Grafting का मतलब होता है दो different source के tissues या organ को combine करना, इसके लिए हम term grafting use करते हैं। The combination of two different tissues organ
ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, ऐसे दो ऑर्गन या टिश्यूज जिनके ओरिजिन अलग अलग हो उनको कंबाइन किया जाए एज अ सिंगल ऑर्गन, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि किसी बंदे की अगर किडनी ख़राब है तो किडनी ग्राफ्टिंग कराई जाती है, स्किन जल जाती है, बर्निंग हो जाता है, स्किन बर्निंग, तो स्किन ग्राफ्टिंग भी होती है, कॉर्निया ग्राफ्टिंग कराया जाता है, और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनकी ग्राफ्टिंग कराई जाती है। तो ग्राफ्ट का मतलब है दो डिफरेंट सोर्सेज को कंबाइन करके एज अ सिंगल ऑर्गन उनको डेवलप कराना। यहां भी प्लांट में भी ग्राफ्टिंग का प्रोसेस चलता है। चलिए देख लेते हैं कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या होता है। समझिएगा, इसमें हम दो प्लांट्स जो कि अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं, उसमें स्पीशीज अलग हो सकती है या वैरायटी भी अलग अलग हो सकती हैं, हम दो प्लांट्स कैटेगरी को, दो प्लांट्स को अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं या स्पीशीज भी अलग हो सकती है, उनको हम कंबाइन करते हैं और उन्हें ऐसे ग्रो कराएंगे, ज्वाइन करेंगे कि वो एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करें। यानी ज्वाइन होने के बाद अब वो दो प्लांट नहीं, एक प्लांट होंगे। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि एक ही प्लांट के ऊपर हमें दो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स या फ्लावर मिलेंगे। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ग्राफ्टिंग मैंगो की बड़ी कॉमन जो कराई जाती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो की हमारे यहाँ 1000 से ज़्यादा वैरायटी मिलती है इंडिया के अंदर, हमने बड़ी कॉमन सुनी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वैरायटी है दशहरी और एक वैरायटी है चौसा। ये दो वैरायटी हमारी मैंगो की बड़ी कॉमन, नॉर्थ इंडिया में बड़ी पसंद की जाती है। हमने क्या करा, हमने मैंगो की एक वैरायटी ली दशहरी और एक चौसा, हमने इनको कंबाइन किया और इस तरीके से कंबाइन किया कि एक सिंगल प्लांट की तरह हमने इसे ग्रो कराया। अब जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो इसमें तो वो पार्ट भी है जो दशहरी प्लांट से लिया गया है और वो पार्ट भी है जो चौसा प्लांट से लिया गया है। तो जब ये प्लांट ग्रो होगा तो एक्सपेक्ट करेंगे हम इसमें कि जो ब्रांचेस दशहरी वाले डेवलप होंगी पार्ट प्लांट पार्ट से, उस पर दशहरी मैंगो डेवलप होंगे, और जो चौसा प्लांट पार्ट से जो ब्रांचेस निकलेंगी उस पर चौसा प्लांट की वैरायटी डेवलप होगी। तो आप देख सकते हैं एक ही प्लांट पर दो दो वैरायटी के फ्रूट्स हमको मिल रहे हैं। इसी तरीके से फ्लावरिंग हम करते हैं, हमें चाहिए रोज़ जनरली हम सिंगल फ्लावर के, सिंगल कलर के होते हैं। हमें क्या करना है, अपने गार्डन को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमने दो अलग अलग रोज़ की ग्राफ्टिंग कर दी। फॉर एग्जांपल, एक येलो और एक रेड। हमने जब उसकी ग्राफ्टिंग करी, ग्राफ्ट करने के बाद हमारा जो कंबाइंड प्लांट बना उसमें जो ब्रांचेज रेड वाले से निकलेंगे उस पर रेड फ्लावर डेवलप होंगे, रेड रोज़, और जो येलो से डेवलप होंगे इस पर अब प्लांट एक ही है बट फ्लावर कितने तरह के आ रहे हैं, दो तरह के। तो इस तरीके से हम फ्लोरल जो इंडस्ट्री, जिसे फ्लावर इंडस्ट्री बोलते हैं, इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, रेज करने के लिए, प्लस हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। आज के टाइम में बड़ी पॉपुलर टेक्निक है ये ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, चलिए देखते हैं। इन दिस मैथड two plants are joined together in such a way that they grow as one plant। ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बेटा अपनी बोर्ड की कॉपी में जब आप ग्राफ्टिंग मेंशन करेंगे, इस डेफिनेशन को तो देंगे ही आप, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको जरूर मेंशन करना है। इसमें हम क्या लेंगे, एक रूट सपोर्टेड पार्ट होगा, उसे हम किसी दूसरे प्लांट की ट्विग पर ज्वाइन करेंगे। तो इसमें जो रूट सपोर्टेड पार्ट होता है बेटा, उसे बोलते हैं स्टॉक, और जिसकी ट्विग को हमें उस पर ज्वाइन करना है उसे बोलेंगे शियोन। तो स्टॉक और शियोन कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा हमारा ग्राफ्टेड प्लांट। इसमें ये दो टर्म्स को ज़रूर आपको बताना है कि स्टॉक क्या है और शियोन क्या है। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं, the root
सपोर्टेड पोर्शन कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, स्टॉक। इज जॉइंट विद द ट्विग ऑफ अनदर प्लांट, इसे क्या बोलेंगे, कॉल्ड शियॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिए। चलो पहले इसका प्रोसेस डायग्राम से समझते हैं, ये ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, समझते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो प्लांट हैं, हम क्या करेंगे, इन दो प्लांट्स के सेक्शन कट करेंगे। हमें एक सेक्शन तो यहाँ से मिलना है, रूट सपोर्टेड पोर्शन हम सपोज इस प्लांट का लेंगे और बाकी ट्विग हम दूसरे प्लांट के लेंगे। दिस पोर्शन इज कॉल्ड शियॉन एंड द रूट सपोर्टेड पोर्शन इज कॉल्ड स्टॉक। कट किया हमने, कट करने के बाद इनको हमने यहाँ ज्वाइन किया। ये हमारा तैयार हो गया ग्राफ, इसको हम टाई अप कर देंगे। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। इस तरीके से हम दो प्लांट के ग्राफ तैयार करेंगे। जब ये प्लांट ग्रो होगा तो ग्रीन ब्रांचेस से ग्रीन फ्रूट्स और फ्लावर डेवलप होंगे और ऑरेंज ब्रांचेस से ऑरेंज फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डेवलप होंगे। ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ्टिंग का तरीका होता है। इसमें इस बात को याद रखा जाए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो रूट सपोर्टेड पोर्शन है दिस इज कॉल्ड स्टॉक एंड ट्विक जो इसके ऊपर ज्वाइन की गई है दिस इज शियॉन। तो ये आपका वो पोर्शन है जो ग्राफ्टिंग के लिए जो टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी है। डायग्राम के थ्रू बच्चों ज़रूर बताना है। एक बात आपको बता दूं कि बायोलॉजी आपकी तब इम्प्रेसिव मानी जाती है, बोर्ड में मार्क्स आपको तब मिलते हैं जितना आपका आंसर इम्प्रेसिव होगा, और बायोलॉजी को इम्प्रेसिव बनाने के लिए डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसलिए छोटी से छोटी बात भी हो तो कोशिश करें उसे, चाहे आप छोटा सा एक रफ डायग्राम मेंशन करें, क्योंकि डायग्राम बनाने से एक फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो एग्जामिनर है उसको आपकी कॉपी चेक करने के बड़ा कन्वीनियंस होता है, बड़ा कन्वीनियंट रहती है उसके लिए, आसानी हो जाती है, क्योंकि उसे आपको बल्कि थ्योरी पढ़ना नहीं पड़ती, उसके पास पहले ही बहुत सारी कॉपी हैं, तो वो आपके इस डायग्राम को देख के आपकी नॉलेज को जज कर लेते हैं एग्जामिनर कि बच्चे को ये पार्ट आता है या नहीं आता है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि ये जो पोर्शन है, स्पेशली टेक्निक्स वगैरह अगर कोई बतानी हो, कोई मेथड्स बताना हो प्लांट और एनिमल्स के अंदर, तो आप उसका या तो फ्लो चार्ट या डायग्राम ज़रूर मेंशन करें। स्पेशली मैं जितनी भी आर्टिफिशियल मेथड बता रहा हूँ बगैर डायग्राम के आपको नहीं समझाने, मैं पहले ही बता देता हूँ, डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हमारा पोर्शन हो जाता है पूरा। इसके हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की कि ग्राफ्टिंग किन किन प्लांट्स की जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग बच्चों होती है एप्पल, रोज, प्लम, पीच, मैंगो।
इन प्लांट्स की बहुत कॉमन ग्राफ्टिंग की जाती है। अच्छे से याद रखिएगा, एप्पल, रोज, प्लम, पीच, मैंगो, ये प्लांट्स की बहुत कॉमन ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट तरीके की तरफ। लास्ट मेथड जो है वो लास्ट मेथड है हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन। और आज के टाइम में हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो हॉर्टिकल्चर टेक्निक है वो टेक्निक है माइक्रो प्रोपेगेशन। चलिए समझते हैं। बेटा माइक्रो प्रोपेगेशन में हम एक लेबोरेटरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उस लेबोरेटरी टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपेगेशन तो प्रोपेगेट करने का एक तरीका हो गया, लेकिन जिस टेक्निक का यूज़ करके हम इस मेथड को तैयार करते हैं उस टेक्निक का नाम है टिश्यू कल्चर। ये नाम आपने हो सकता है पहले प्रीवियस क्लासेस में कहीं पढ़ा हो या सुना हो, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा नहीं भी सुना तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप ट्वेल्थ में आगे बढ़ेंगे आपके सिलेबस में एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के नाम से। वहाँ आप प्लांट और एनिमल्स को इम्प्रूव करने की टेक्निक्स पढ़ते हैं। और इसी चैप्टर में प्लांट और जितने भी ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने वाली टेक्निक्स हैं उनमें एक टेक्निक आती है टिश्यू कल्चर। वहाँ टिश्यू कल्चर को आप बहुत डिटेल और डिस्क्रिप्शंस के साथ पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ब्रीफली समझ में ना आए, मैं कोशिश करूँगा टिश्यू कल्चर आपको अभी समझ में आ जाए, नहीं आता तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि टिश्यू कल्चर आपके कोर्स का पार्ट है। ये तो बहुत छोटे में आपको डिफाइन किया जा रहा है, आपको पूरा डिटेल में चैप्टर नंबर 9 में आपको टिश्यू कल्चर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कि माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड क्या है और वो टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है जो इसमें यूज़ होने वाली है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट में, इसमें शर्त नहीं है कि कौन सा प्लांट, कोई भी हो, उस प्लांट पार्ट का कोई सेल, टिश्यू या ऑर्गन, याद रखिए क्या बताया मैंने, किसी प्लांट का सेल या उसका कोई टिश्यू या उसका कोई ऑर्गन हम लेते हैं और उसे लेबोरेटरी में एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कल्चर कराते हैं। और वहाँ कल्चर करा के हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर सेवरल प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। जिस टेक्निक के थ्रू ये प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। और टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हुए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोडक्शन करना, इस मेथड को आप माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। चलिए बात समझते हैं पहले होता क्या है, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। इन दिस मेथड एनी प्लांट सेल्स ऑब्लिक टिश्यूज ऑब्लिक ऑर्गन, इज कल्चर्ड इन अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम, इसे आप कल्चर मीडियम भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम और कल्चर मीडियम इन लेबोरेटरी। और इस कल्चर करने को क्या कहते हैं, कॉल्ड टिश्यू कल्चर, कॉल्ड टिश्यू कल्चर। अब हम क्या करेंगे, इसमें मेथडोलॉजी क्या यूज की जाती है, प्लांट का जो पार्ट हम कल्चर कर रहे हैं, चाहे हमने कोई सेल करी है, कोई टिश्यू किया है या कोई ऑर्गन किया है, उस कल्चर्ड पार्ट को आप बोलेंगे एक्स प्लांट। जब उस एक्स प्लांट को आप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं तो उसमें आपने
सेल डिवीजन इंड्यूस करने वाले प्लांट हॉर्मोन्स इंट्रोड्यूस किए हुए होते हैं पहले से ही न्यूट्रिएंट मीडियम में। जैसे सबसे कॉमन सेल डिवीजन इंड्यूस करने वाला आपने पढ़ा है केमिकल क्या है, साइटोकाइनिन। तो हम साइटोकाइनिन उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन इंड्यूस करा देता है। तो जो हमने सेल या टिश्यू लिया उसमें तेजी के साथ एक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन जब किसी सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक तरह की सेल का मास डेवलप हो जाएगा। जब सेल ग्रोथ करती रहेगी तो सेल का एक मास डेवलप हो, जैसे ह्यूमन में अगर ये कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाए तो सेल का जो मास बनता है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूमर। बट यहाँ वो ट्यूमर नहीं कहेंगे उसे, यहाँ हम डेलिबरेटली वो चीज़ बना रहे हैं। तो मास ऑफ सेल तैयार हो जाएगा कुछ ही टाइम के बाद। मास ऑफ सेल को हम यहाँ नाम देते हैं कैलस। क्या नाम देते हैं, कैलस। देखिए कहाँ से शुरुआत करी, प्लांट के हमने कोई सेल टिश्यू या ऑर्गन लिया, उसे कल्चर किया और उसे डिवीजन के लिए अलाउ किया। डिवीजन होता चला गया कुछ टाइम के बाद, जब उसमें रेगुलर डिवीजन हो जा रहा है तो एक्सप्लांट अब किस में बदल गया, मास ऑफ सेल। क्या बोलेंगे उसे, कैलस। अब बेटा इस कैलस के क्या करेंगे, इस कैलस के हम जितने प्लांट हमें चाहिए उतने पीस कर लेंगे। सपोज इस कैलस के 1000 पीस कर लीजिए, 1000 प्लांट, 100 पीस करेंगे 100 प्लांट। हर पीस को अलग अलग कल्चर मीडियम में रखेंगे और अब हम इसमें रूट और शूट डेवलप कराने वाले हॉर्मोन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। कुछ ही दिनों के बाद हम देखेंगे इस कैलस में जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होनी शुरू हो जाएंगी। उसमें कुछ सेल्स रूट में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, कुछ सेल्स शूट में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी और हमें लेबोरेटरी में छोटे छोटे प्लांटलेट्स मिल जाएंगे। और उन प्लांटलेट्स को हम फर्दर ग्रोथ के लिए जब दूसरे मीडियम में या सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे, हमें हज़ारों और सैकड़ों प्लांट एक छोटे से समय में मिल जाएंगे। ये तरीका बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करने का जो मेथड है, इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन। यहाँ कुछ बातें समझने वाली हैं, उसे हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। प्लांट पार्ट, विच टू बी कल्चर, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्स प्लांट। फिर एक्स प्लांट के बाद क्या बनेगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम कैलस। और इस कैलस से सेवरल प्लांट्स बनेंगे। क्या तैयार होंगे, प्लांटलेट्स। ये सेवरल हमने क्या तैयार कराए, प्लांटलेट्स। तो एक कैलस से हजारों प्लांटलेट तैयार करने का ये जो मेथड है बच्चों, इसी को हम बोलेंगे माइक्रो प्रोपिगेशन। समझ में आ रही है बात आपको, ये मेथडोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोजेनी अगर प्रोड्यूस करनी है, इससे आउटस्टैंडिंग और इससे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोसेस अब तक कोई डेवलप नहीं हुआ। इसीलिए फ्लोरीकल्चर को रेज करने में, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस टेक्निक का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया जा रहा है, ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए इसके लिए फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देते हैं कि कैसे किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पर इसको हम समझाते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट का हम कुछ पोर्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लीफ टिप ले ली या कुछ भी ले सकते हैं, इसे हमने यूज़ किया और हम इसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराने वाले हैं। ये हमारा कल्चर मीडियम है, इसमें हमने जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो हमने इसमें लिए हुए हैं और हमने अपना एक्स प्लांट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। So this is
एक्स प्लांट। अब इस एक्स प्लांट में हमने क्या करना है, ग्रोथ परमिट करनी है। किसकी वजह से? ऑटोमेटिक हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हमने ऑलरेडी क्या इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि क्या करते हैं, सेल डिवीजन इंड्यूस करते हैं, स्पेशली साइटोकाइन। तो कुछ समय के बाद हम यहां देखेंगे कि जो हमने यहां एक्सप्लांट इंट्रोड्यूस किया था वो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमको मिलता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कैलस, ठीक है। अब इस कैलस से हम छोटे छोटे पीसेस को ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट मीडियम, अलग अलग मीडियम में उनको हम ट्रांसफर कराएंगे। ये टेस्ट ट्यूब, ये कल्चर मीडियम, और हमने ये कैलस के थोड़े थोड़े पीस यहां से ट्रांसफर करे यहां। और हम कुछ दिनों बाद नोटिस करेंगे यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं रूट्स और छोटे छोटे प्लांट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे तैयार हो गए प्लांटलेट्स। क्या तैयार हो गए? ये प्लांटलेट्स इस तरह एक कैलस से सेवरल प्लांट्स प्रोड्यूस करने का जो ये मेथड है इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। जिस टेक्निक को आपने यहाँ यूज़ किया है उस टेक्निक को आप बोलेंगे टिश्यू कल्चर। यहाँ जो प्लांट है दिस इज पेरेंट प्लांट, इस पेरेंट प्लांट से आप इसके सेवरल क्लोन्स तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिलेटेड थे, और आज हमने आपको बताया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में कैसे होता है, और इस तरह हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन यहीं पर फिनिश करते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ।